चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी जानकारी है। नामांकन से पहले सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 लोगों के साथ नॉमिनेशन के लिए सीएम निकले। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। छठे चरण में चुनाव होना है और आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व से खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 5 साल का लेखा जोखा दिया और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज यहां पर मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले पूजा अर्चना किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। कलेक्ट्रेट पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी का किस तरह से इंतजाम किया गया है वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी सुबह 11 बजे गोरखपुर के एडीएम एफआर ऑफिस में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनसभा स्थल से अपने साथ 5 लोगों को लेकर नामांकन करने पहुंचेंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सीएम योगी के नामांकन स्थल का जायजा लिया है संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। देखे सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में गोरखपुर के इसी एडीएम एफआर कार्यालय में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तैयारियां पूरी हैं यहां पे और यहां मुख्यमंत्री के साथ 5 जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। वक्त लगभग यहां पे बताया जा रहा है कि 11:30 से लेकर के और 12 बजे के बीच में सीएम यहां पे नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसके पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं और साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो इस चुनाव में मुख्यमंत्री को जिताने के लिए पिछले कई महीनों से लगे हुए हैं उनको बुलाया गया है। एक जीत का मंत्र जिस तरह से कल उन्होंने गोरखपुर के एक कार्यक्रम में दिया था तमाम जो बूथ लेवल, सेक्टर लेवल और मंडल लेवल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, आज भी वही संदेश एक इस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के दिया जाएगा। हालांकि मौसम खराब है, कार्यक्रम का जो अगर कहें रूपरेखा वो थोड़ा सा परिवर्तन बीजेपी कर सकती है क्योंकि जो पहले प्रस्तावित कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री जनसभा के बाद यहाँ पे नामांकन करने पहुँचेंगे, लेकिन अब माना जा रहा है कि नॉमिनेशन का जो वक्त है उसी समय में कार्यक्रम भी चलता रहेगा, संबोधन भी नेताओं का चलता रहेगा और इस बीच में मुख्यमंत्री 5 लोगों के साथ यहां पे एफआर कार्यालय में पहुंचेंगे और नॉमिनेशन फाइल करके वापस उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नॉमिनेशन के बाद मुख्यमंत्री और अमित शाह जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल है, उसके बगल में ही कुछ घरों में जनसंपर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसके जरिए लोगों को जोड़ने का और साथ ही गोरखपुर सदर सीट से जहां से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां से एक रिकॉर्ड मतों से उनको जिताने का भी प्रयास बीजेपी कर रही है और यही कारण है कि 3 दिन के इस दौरे में आज का जो दिन है वो बीजेपी के लिए और खासतौर पे योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन आज दाखिल करेंगे। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं गोरखपुर से। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश आपके पास आएंगे, कब तक सीएम पहुंचने वाले हैं? पूजा अर्चना तो हो गई, भगवान को तो याद कर लिया, कब पहुंच रहे हैं? देखिए शफान, आपको बता दूं कि गोरखनाथ मंदिर का जो प्रांगण है वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे। सबसे पहले वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को रिसीव करेंगे और सीधे उसके बाद जनसभा स्थल पहुंचेंगे। आपको तस्वीर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि जो सीएम का काफिला है वो इस वक्त तैयार है और सीएम कभी भी गोरखनाथ मंदिर से यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। देखा जाए तो आज बेहद खास दिन है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री योगी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो यहाँ के 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस चुनाव में जिस तरीके से माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और जो बयानबाजी है वो तेज हो रही है, वैसे में आज चूंकि मुख्यमंत्री को नॉमिनेशन करना है और इस मौके पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं वो भी मौजूद रहेंगे। देखिए अगर हम गोरखपुर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का अपना शहर है क्योंकि इस मठ के मठाधीश हैं वो और यहीं से उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत भी की थी। तो चूंकि जो गोरखपुर के लोग हैं कहीं ना कहीं खुद को मठ से जुड़ा हुआ मानते हैं और माना जाता है कि ये बीजेपी का वो अभेद किला है जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो एक हालांकि चुनाव है, एक औपचारिकता है और माना जा रहा है कि इस
सीट से योगी का जीतना तय तो है ही, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जीत का मार्जिन क्या होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन 4.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं और उसमें से अगर 60-70% पोलिंग होती है, हालांकि कल जब मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे तो यहां के कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से उन्होंने अपील की, वे लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है ऊपर जाना चाहिए। खैर, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, चूंकि ये गोरखनाथ मंदिर का प्रांगण है और यहीं पर सीएम योगी का आवास भी है। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे और यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को रिसीव करेंगे और सीधे जनसभा स्थल, चूंकि नॉमिनेशन से पहले जनसभा होनी है, उस जनसभा में जो तमाम समर्थक होंगे उनको संबोधित करना है और उसके बाद वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो बस थोड़ी देर का इंतजार है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने वाले हैं।